हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो ये हमारे चैप्टर की थर्ड चैप्टर की आखिरी वीडियो रहेगी, तो इसमें आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आज बात करेंगे पीस एंड कॉपरेशन के बारे में, यानी क्या क्या शांति समझौते वगैरह हुए हैं सार्क के बीच में और क्या क्या इनका कॉपरेशन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है एक क्वेश्चन के साथ कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये कॉपरेशन के साथ भी रहते हैं या हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है स्टूडेंट, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो भी देखे जाते हैं, कॉपरेशन है वो भी देखा जाता है। क्योंकि इसको बनाया क्यों गया था, जो सार्क है, जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है, इसको क्यों बनाया गया था, ताकि जो ये इस साइड के जो कंट्रीज है ना, जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, जो दक्षिण एशिया के जो कंट्रीज हैं, उनमें एक कॉपरेशन रह सके, एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए ताकि वो साथ में डेवलपमेंट कर सके ये सारे जो कंट्री है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। ये कब बना था, 1985 पे बना था। ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसकी जो फाउंडिंग डेट है वो आपको जरूर याद रखनी है, 1985 में ये फॉर्म में आया था। और सार्क जो है ये यहाँ पे क्या है, इसके लिए एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था। इसमें क्या है, सार्क के अंदर जो साफ्ता है, साफ्ता का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड, यानी जितने भी ये कंट्रीज आते हैं उनके बीच में यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको साइन करवाया जाए, ताकि ये अपनी इकोनॉमिकल पावर को बढ़ा सकें, एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह कर सकें इजिली, अपना जो कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देने से इनके बीच में जितने भी गैप्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे सार्क को बनाया भी गया था और इसके लिए सबसे अच्छा जो एक इनिशिएटिव लिया गया था वो साफ्ता का लिया था, यानी ट्रेड के माध्यम से, ओके। तो जिसकी वजह से इनके बीच में जो पीस एंड कॉपरेशन है वो इवॉल्व होगा, ठीक है। और इसको क्या है, 2004 में साइन किया जाता है, इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। 2004 में सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इस पे साइन करते हैं एंड 2006 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, मतलब ये लागू हो जाता है ये काम करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत ही कम ट्रेड टैरिफ्स में यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा और अड़ोस पड़ोस की जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं उनका मानना है कि इंडिया जो है ये हमारे मार्केट पर इन्वेड कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से प्रभाव डाल रहा है हमारी सोसाइटीज पर, हमारे पॉलिटिक्स पर। क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि भाई साफ्ता के जरिए जो है हमारे मार्केट को कब्जा लिया जाए, इस तरीके से लोगों का मानना है, नेबरिंग कंट्रीज का मानना है, ठीक है, कि किस तरीके से अपना जो कमर्शियल प्रेजेंस है ये दिखा रहा है अदर कंट्रीज के ऊपर और ना कैसे अफेक्ट डाल रहा है। तो ये जो डर है ये क्यों है, मैंने आपको बताया कि भाई साउथ एशियन जो एसोसिएशन है इसके सबसे बड़ा जो पावरफुल कंट्री है वो कौन सा कंट्री है, वो है इंडिया। तो अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको ये डर लगा ही रहता है, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी बहुत कम है, वो पॉलिटिक्स इतने पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं इंडिया जो है हमारे ऊपर इस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है और हमको अपने अंडर में कर देगा, ठीक है। लेकिन इंडिया का ऐसा मानना नहीं है। इंडिया जो है साफ्ता को किस लिए यूज कर रहा है, ताकि जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ एक व्यापार जो है हमारा हो सके, एक रिलेशन जो है वो कायम हो सके, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह जो चल रहे हैं उनको भी सेटल डाउन किया जा सके। तो साफ्ता जो है एक जरिया है, ठीक है, सारे के सारे कंट्रीज के साथ कनेक्ट रहने का। लेकिन इन छोटे कंट्रीज का जो डर है वो इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि ये क्या है, लीस्ट डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ओके। यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट वगैरह है, हमारे जो लीडर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि साफ्ता के लिए ट्रबल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने वैसे ही पहले से ही बायलेटरल एग्रीमेंट्स जो है वो साइन कर रखे हैं भूटान के साथ, नेपाल के साथ एंड श्रीलंका के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी देखो आपको पता ही होगा कि भाई पाकिस्तान से, चाइना से, इन सब से हमारी वैसे नहीं बनती है, लेकिन ट्रेड के माध्यम से जो है हम इनसे कनेक्टेड हैं, ट्रेड तो लगातार चलता ही रहता है चाहे कितनी भी दुश्मनी रहे। तो ये एक रीजन है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी बोल रही है कि क्या मतलब एक तरीके से रिलेशंस बनाने के लिए जो ट्रेड है उसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वही ज्यादा जरूरी है, आपसी मेलजोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है क्या। तो ऐसे करके यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हर एक एसोसिएशन है वो ट्रेड के लिए ही क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्या पीपल टू पीपल जो रिलेशन है, क्या कंट्री टू कंट्री रिलेशन जो है वो वैसे नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन बोल रही है। तो भाई ये आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा चक्रव्यूह है
कि यहाँ पे जो है आपको इमोशनली है ना कोई भी ऐसे अटैचमेंट नहीं होता है। अगर आपको किसी कंट्री से कोई फायदा हो रहा है या आपका इकोनॉमी अगर उस कंट्री की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप उससे कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। ये जस्ट एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह बनाने के लिए ही काम आते हैं, मतलब इनका और कोई इंटेंशन नहीं होता है। समय आता है अगर किसी कंट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अगर वो हमारे साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास दूसरे अवसर भी रहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जो कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस जो है ये हमेशा देखने को मिलता है, मतलब पास्ट में भी देखने को मिलता है, प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है, फ्यूचर में देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इनके तो हमेशा खैर चलता ही रहता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सुधार आएगा। हाँ, बीच बीच में हमारे लीडर्स जो हैं वो इनिशिएटिव जरूर लेते हैं सुधार करने की, लेकिन फिर से चीजें जो हैं वो वापस ऐसी ही हो जाती हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस जो है इनके बीच में खत्म होने का नाम नहीं लेता है ना, किस तरीके से इनके बीच में जो है पीस को बिल्ड किया जाए। तो ऐसे करके यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाती है तो उसमें हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है ना इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये इसमें कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो हमेशा कोलैबोरेट करती हैं किस काम के लिए, कि इनके जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा किया जाए, कि इनके इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, ठीक है। और हमारे जो लीडर्स वगैरह है ये भी इन सब चीजों को समझते हैं और वो भी समिट्स वगैरह के लिए जाते हैं एक दूसरे कंट्रीज में। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने के लिए हमारे जो मोदी जी हैं वो पाकिस्तान में गए थे 2018 में, लेकिन 2019 में देखो पुलवामा अटैक हो गया। तो कैसे भरोसा किया जाए इन सब चीजों के लिए, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे बस रूट्स वगैरह जो है इनको स्टार्ट किया गया था, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो गए थे पाकिस्तान में बहुत सारे समिट्स एंड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए, किस तरीके से यहाँ पे जो आवाजाही है पैसेंजर्स की वो भी स्टार्ट कर दी गई थी, है ना। जो रूट्स वगैरह है उनको ओपन कर दिया गया था, किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड है इसको भी बढ़ाया गया था थ्रू जो पंजाब का जो रीजन है वहां से बस रूट्स वगैरह बहुत इजीली जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और साथ में कैसे हम जो है वीजा भी बहुत इजीली ले सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाने के लिए। तो ये जब चीजें हैं ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव दिखा रहे हैं कि कैसे पहल की गई है एक अच्छे रिलेशन बनाने की दो देशों के बीच में जो कभी भी एक दूसरे के साथ बना के नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कम से कम ये कोशिश तो हमेशा जारी रखते हैं हमारे एक्टिविस्ट एंड लीडर्स, लेकिन चीजें हो नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, हम कह सकते हैं वहां पर टेररिस्ट ग्रुप वगैरह की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो कंट्री है या कोई भी जो रीजन है वो एक हवा पर, मतलब एक वैक्यूम के बारे में यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है कि कोई ऐसे हवा में तो उड़ नहीं रहे कि भाई अगल बगल में जो चीजें चल रही हैं उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे जो सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, ऐसे ही कंट्रीज पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हम मतलब अपने जो बाहरी जो शक्तियां हैं उनसे अपने आप को नहीं बचा सकते, उनके वहां पे जो चीजें चल रही हैं वो हम पर अफेक्ट डालती हैं। जैसे देखो वेस्टर्नाइजेशन है, अभी अमेरिका में जो चीजें चल रही हैं, यूरोप में जो चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें हम पर प्रभाव डालती हैं और हम भी उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने देश में, उन चीजों को लागू करते हैं और वैसे ही अपना कल्चर जो है होता भी जा रहा है ना। हम कितना ज्यादा वेस्टर्न जो कल्चर में उसमें खो गए हैं, पहनावा ले लो, खान पान ले लो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले लो, ये सारी चीजें जो है हम पर प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए तो हम इसको अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि अगल बगल में जो चीजें चल रही हैं या आपके जो बाहरी जो देश है उनसे आप इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे चाइना और अमेरिका जो है इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि देखो हमारे जो रिलेशन है वो किसके साथ है, ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट के साथ है, ट्रेड के लिए ले लो चाहे किसी भी माध्यम के लिए ले लो, है ना। लेकिन यहाँ पे जो चाइना है, अब इससे हमारे रिलेशन वैसे तो नहीं है, कल्चरली नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली तो है, हम ट्रेड करते हैं इनके साथ। तो कहने का मतलब है कि जो चाइना का जो झुकाव है वो एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ है, और यूनाइटेड स्टेट का भी झुकाव एक समय पे पाकिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इंडिया की तरफ है। तो कहने का मतलब है कि इनका रोल हमेशा रहा है साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर, और यहाँ पे कुछ दशकों में ऐसा देखा गया है कि जो चाइनीज और इंडियन रिलेशन है ना वो काफी इंप्रूव हुए हैं जब से हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी को मतलब अपनाया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेड वगैरह शुरू किया। तो 1991 के बाद से हमारे जो रिलेशन है वो चाइना के साथ काफी अच्छे देखने को मिले हैं। कौन से फॉर्म में अच्छे देखने को मिले हैं, इकोनॉमिकल फॉर्म में ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान के साथ भी बनी रहती है, भाई उसके साथ भी उसकी पार्टनरशिप चलती रहती है पाकिस्तान के साथ ही।
तो यहाँ पे ये चीज जो है इंडिया को इरिटेट करती है, इंडिया को ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों जो मिलके हैं हमारे खिलाफ कोई साजिश रचे, ये लगता ही है ना। तो भाई आपके दुश्मन के साथ भी अगर कोई रह रहा है और आपके साथ भी रह रहा है, तो लगता है कि भाई ये इससे कहीं प्रभावित ना हो जाए और हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाए। तो ऐसा यहाँ पे क्या है, बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो बढ़ती है, और यहाँ पे ग्लोबलाइज्ड लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो दो देश हैं इंडिया और चाइना, ये काफी बड़े देश हैं अगर ग्लोबलाइज लेवल पे यहाँ पे जो ट्रेड के माध्यम से देखें। तो बता रहे हैं कि 1991 के बाद से हम लोगों ने काफी अच्छे जो रिलेशन है अपने मेंटेन करके रखे हैं। किसकी वजह से रखे हैं, मैंने अभी आपको बताया, ट्रेड की वजह से रखे हैं या इकोनॉमिकल बूस्टअप की वजह से रखे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, तो कैसे इसका जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में बड़ा है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो अमेरिका है उसको क्या घोषित कर दिया गया, एक वर्ल्ड की हेजमनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल पे ही तो लड़ाई चल रही थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल जो है जीत जाता है, ये कैपिटलिस्ट मॉडल जीत जाता है जो किससे बिलोंग करता था, अमेरिका से बिलोंग करता था। तो अमेरिका का प्रभाव ना कोल्ड वॉर के बाद, मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो है बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है इसका वर्ल्ड का, और स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर, और इंडिया पाकिस्तान इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसी की वजह से जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह में बहुत अच्छे रहे हैं, यानी इन लोगों ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं इन दोनों देशों ने, और यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है इनको लिबरलाइज किया है। ठीक है, उदारीकरण यहाँ पे देखने को मिला है। तो अमेरिका का जो पार्टिसिपेशन है काफी ग्रेट लेवल पर रहा है यहाँ साउथ एशियन रीजन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो अमेरिका के अंदर भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग काफी मात्रा में वहां रहते हैं, स्पेशली गुजराती, तो आप ये मान लो कि हर तीसरा घर जो है वो वहां पे अमेरिका में सेटल मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या है जो एनआरआईज वगैरह का जो काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका में, हमारे बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं और ऐसे ही पाकिस्तानी भी रहते हैं। तो अगर इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर या इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिस पर अमेरिका अफेक्ट डाल रहा है तो वो उन लोगों पर भी अफेक्ट करेगा, है ना। तो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तो वहां पे जो हमारे देश के जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी वो चीजें प्रभावित की जाती हैं। और यहाँ पे क्या है जो सार्क कंट्रीज के बीच में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मार्केट भी अच्छा खासा है ना, भारी भरकम है एक तरीके से देखा जाए तो। अमेरिका के भी कुछ इंटरेस्ट जो है हमारे लिए बने हुए हैं, मतलब वो हमारे उसके उसके लिए फायदेमंद है, इसीलिए वो हमसे कॉन्टेक्ट में रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं, लेकिन लास्ट में ये बता रहा है कि कैसे भी मतलब साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा, मतलब आशंका और एक तरीके से सस्पिशियस रहते हैं एक दूसरे के लिए, इसी वजह से ये पहचाने भी जाते हैं। लेकिन जो ये एरिया है जो ये रीजनल ब्लॉक है इसमें जो कॉमन एक कल्चरल फीचर्स है सारे कंट्रीज के बीच में, कैसे इनके जो जो मतलब रिलीजियस चीजों को ले लो, चाहे इनके जो ट्रेड से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ले लो, तो ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये चीज भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाहरी देश देखो कितना भी इन्फ्लुएंस डाले लेकिन ये इनका एक अलग ही यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। तो फाइनली हमें यही देखने को मिलता है कि लड़ते झगड़ते जो है अपने काम करवा ही लेते हैं। ठीक है, जैसे जो सार्क की मीटिंग हुई थी लास्टली हुई थी 2014 में नेपाल के अंदर, लेकिन फिर नेक्स्ट होनी थी पाकिस्तान के अंदर, पर फिर क्या होता है पुलवामा अटैक होने की वजह से हम वहां जाते नहीं हैं और हमारे रिलेशन जो हैं और खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि चीजें जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, हाँ ये कभी भी कॉपरेशन के साथ एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी चीजें चल क्यों रही है, क्योंकि भाई अड़ोसी पड़ोसी है, पड़ोसी चाहे कितना भी बेकार हो लेकिन कभी ना कभी काम तो आता ही है। तो कहने का मतलब है ये सारा जो चैप्टर है या हमने किसके बारे में पढ़ा, पूरे साउथ एशियन जो रीजन है उसके बारे में पढ़ा कि कैसे इनके रिलेशन जो है वो मतलब कभी अच्छे होते हैं कभी बेकार होते हैं कभी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में देखी स्टूडेंट। और यहाँ पे जो पिक्चर भी हम देख लेते हैं क्योंकि पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान का पर्सन है क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, और यहाँ पे चाइनी पर्सन है और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि हे मिस्टर हूं, ठीक है कि हूं को मतलब ये चाइनीज जो लीडर है इनके बारे में बोल रहा है कि तुम जो है हमेशा ट्रेड से रिलेटेड कॉमर्स से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड ही यहाँ पे बातें करने आते हो, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हो। तो ऐसे करके यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है इसी वजह से यहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुम कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो, कश्मीर को हमें क्यों नहीं दिला रहे हो, ऐसे करके यहाँ पे आग उगल रहा है। उसके नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एम्पायर बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ले लीजिए, तो जो एम्पायर है ना यही तय करता है कि भाई जो बॉल है
वो भारत के अंडर में, मतलब भारत के पाले की तरफ गिरी है या पाकिस्तान के पाले की तरफ गिरी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेन लीडर है यही डिसाइड करेंगे कि भाई किसकी तरफ जो चीजें हैं वो जा रही हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है हमें इस तरीके से दिखा रहा है और ये हमने देख ही लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर जो होता है फिनिश। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सीरीज में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।